सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नॉन स्टॉप वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारा अपडेट यहाँ पे है, और यहाँ पे बीच में मैं काफ़ी सारा वीडियो अपलोड किया था। आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है कि सिंडिकेट बैंक मर्ज हो चुका है यहाँ पे कनाडा बैंक के साथ, और यहाँ पे उसके वजह से यहाँ पे क्या है कि फ़ोन पे अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है। बीच में बताया था आपको, यहाँ पे इवन आप अगर बैलेंस चेक करते हो या किसी को पेमेंट करते हो तो वहाँ पे भी ठीक से काम नहीं कर रहे। तो उसको लेके यहाँ पे फाइनली मैं सल्यूशन आपको बताऊँगा। वीडियो आप लास्ट तक देखते रहे, काफ़ी मतलब हेल्पफुल है। और इस टाइप का हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप का बहुत सारे हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल में पहले अपलोड करता हूँ। तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए, और आपका जो भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग बैंक से या मतलब पेमेंट यूपीआई पेमेंट को लेके आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उस कमेंट को मैं पिकअप करके डेफिनेटली मैं आपके लिए एक सोल्यूशन वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप जानते हो कि अभी क्या है, सिंडिकेट बैंक मर्ज हो चुका है कनाडा बैंक के साथ, और बीच में जो मतलब आपके सिंडिकेट का जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होगा कनाडा बैंक के साथ, राइट? तो उसको आप कहते हैं माइग्रेशन प्रोसेस। तो उस प्रोसेस आई थिंक अभी ख़त्म हो चुका है, तो आपका सभी डाटा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। तो अभी आपका फ़ोन पे पूरा काम करेगा क्या? अभी भी आपका काम कर रहा है या नहीं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैं जितना अभी टेस्ट कर चुका हूँ, जितना अभी देख चुका हूँ, अभी पूरा 100% काम करता है। अगर आपका काम कर रहा है या मुझे फिर अगर नहीं कर रहा है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। बट आई होप अभी पूरा मतलब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, अभी आपका पूरा 100% काम यहाँ पे करेगा। तो बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग में जाके चेंज करना है। वहाँ पे आपको बैंक का जो है वो बैंक सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे सिंडिकेट बैंक चेंज करके कैनरा बैंक देना होगा। देन आपका होगा, और आईएफएससी कोड यहाँ पे चेंज करना होगा। आईएफएससी कोड नेसेसरी है। देन मैंने आपको काफ़ी वीडियो में भी बताया था कि हमारा जो डेबिट कार्ड के पीछे जो नंबर होता है वो भी देना होगा, एक्सपायरी डेट देना होगा। ये कुछ सिस्टम है जो आपको पहले थोड़ा सा करना होगा, देन आपका यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही था, कुछ ज़्यादा मतलब एक लंबी वीडियो नहीं है, एक शॉर्ट अपडेट है। और आई होप ये तो आपको मतलब जो भी डाउट है इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आ गया। बीच में बताया था आपको, यहाँ पे इवन आप अगर बैलेंस चेक करते हो या किसी को पेमेंट करते हो तो वहाँ पे भी ठीक से काम नहीं कर रहे। तो उसको लेके यहाँ पे फाइनली मैं सल्यूशन आपको बताऊँगा। वीडियो आप लास्ट तक देखते रहे, काफ़ी मतलब हेल्पफुल है। और इस टाइप का हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप का बहुत सारे हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल में पहले अपलोड करता हूँ। तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए, और आपका जो भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग बैंक से या मतलब पेमेंट यूपीआई पेमेंट को लेके आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उस कमेंट को मैं पिकअप करके डेफिनेटली मैं आपके लिए एक सोल्यूशन वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप जानते हो कि अभी क्या है, सिंडिकेट बैंक मर्ज हो चुका है कनाडा बैंक के साथ, और बीच में जो मतलब आपके सिंडिकेट का जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होगा कनाडा बैंक के साथ, राइट? तो उसको आप कहते हैं माइग्रेशन प्रोसेस। तो उस प्रोसेस आई थिंक अभी ख़त्म हो चुका है, तो आपका सभी डाटा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। तो अभी आपका फ़ोन पे पूरा काम करेगा क्या? अभी भी आपका काम कर रहा है या नहीं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैं जितना अभी टेस्ट कर चुका हूँ, जितना अभी देख चुका हूँ, अभी पूरा 100% काम करता है। अगर आपका काम कर रहा है या मुझे फिर अगर नहीं कर रहा है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। बट आई होप अभी पूरा मतलब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, अभी आपका पूरा 100% काम यहाँ पे करेगा। तो बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग में जाके चेंज करना है। वहाँ पे आपको बैंक का जो है वो बैंक सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे सिंडिकेट बैंक चेंज करके कनाडा बैंक देना होगा। देन आपका होगा, और आईएफएससी कोड यहाँ पे चेंज करना होगा। आईएफएससी कोड नेसेसरी है। देन मैंने आपको काफ़ी वीडियो में भी बताया था कि हमारा जो डेबिट कार्ड के पीछे जो नंबर होता है वो भी देना होगा, एक्सपायरी डेट देना होगा। ये कुछ सिस्टम है जो आपको पहले थोड़ा सा करना होगा, देन आपका यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही था, कुछ ज़्यादा मतलब एक लंबी वीडियो नहीं है, एक शॉर्ट अपडेट है। और आई होप ये तो आपको मतलब जो भी डाउट है इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे आने वाले हैं। और मिलते हैं।